हरि ओम। अभी हम निर्वाण प्रकरण योग वशिष्ठ का पूर्वार्ध 48वां सर्ग में अब चौथा, चलो तीसरा भी देख लो, श्लोक को हम विचार कर रहे थे। उस तत्व के सद्भाव में सर्वसाधारण रूप से अनुमान प्रमाण बतलाकर अब विद्वानों का अनुभव प्रमाण अनुमान और उसके बाद अनुभव प्रमाण भी कहते हैं, एवं च अपने आत्मस्वरूप भूमानंद का स्वाद ले रहे हैं जो लोग, उनमें कौन कौन है? मुनि, देवता, गण, सिद्ध और महर्षि लोग सर्वदा तुरीय पद में स्थित हैं और वो आनंद को ले रहे हैं। ये हमारे लिए एक प्रमाण बन जाता है। इसको कहते हैं विद्वान का अनुभव रूप प्रमाण। इसको दूसरे भाषा में भी कहा गया कि आगम, अथवा आगम तो नहीं, ये आप्तवचन, जो आप्तवचन जो अनुभवी पुरुष उनका वाणी हम सुन करके। मैं कभी कुचंद्रम नहीं खाया हूँ। कुचंद्रम करके कुछ चीज है, वो खाने की चीज है या पढ़ने की या देखने की या सुनने की गाना है या उसको बहुत अच्छा लगता है, उसके ऊपर सोया जा सकता है, बड़ा अच्छा लगता है शरीर को, स्पर्श सुख अच्छा मिलता है उससे, या वो कोई खूब सुगंधीदार कोई रसायन है मुझे पता नहीं, और कोई कहा हाँ हाँ मैं जानता हूँ कुचंद्रम क्या है, मैं जानता हूँ। कैसे जानते हैं? अरे वो एक चीज है, वो जो रेगिस्तान में जहाँ कोई कुछ नहीं जम सकता है, वहाँ एक कोई बड़ा सुंदर जंगल के अंदर एक पेड़ है, उसका नाम कुचंद्रम है और उसमें फल लगता है और फल को मैं खाया हूँ, उसमें षडरस मिलता है, मैं खाया हूँ षडरस मिलता है, और उसका पेड़ में जो छाला है ना, उसको तो वो तो डनलप गद्दी उसके सामने क्या है, और छाला के ऊपर मैं सोता हूँ। हाँ अच्छा, मेरा नाम उतंक है। रेगिस्तान में कोई एक पहले हो गए थे, बड़े बड़े विख्यात स्वनाम धन्य उतंक, बड़े उतंक थे वो, और उनका वो बड़े ऋषि थे, उनके कहानियाँ बहुत हैं उपनिषदों में और पुराणों में, नाम बहुत है। मेरा नाम उतंक है, मैं ऐसा ऐसा सब देखा हूँ, तो मैं तो कभी सुना नहीं था उस शब्द को ही नहीं सुना था, किसी ने कहा मैं जब नहीं जानता हूँ तो उसको तो मानना पड़ेगा ना। कह रहा है मैं देखा हूँ पेड़, उसका फल खाया हूँ, उसमें सारे रस भरा हुआ है और उसका छाला में सूते हैं लोग, बड़ा सुंदर मुलायम गदगद होता है, उसका फूल से इतना सुगंध आता है कि क्या कहें, तो मानना पड़ेगा।
यही बात है, जो अनुभव किया है उसका अनुभव पुरुष का वचन को मानना पड़ेगा। और इसके ऊपर कल हम बहुत विचार किए हैं, एक छोटा सा बच्चा अगर कुछ कहता है जो हम नहीं जानते हैं और उसको पूछे, वो कुछ बोलता है, तो उसको आँख कान बंद करके अंधे हो करके मानना पड़ेगा। यही है आपका वचन। तब सभी लोग क्यों उसका अनुभव नहीं करते हैं? यदि ऐसी शंका हो तो उसका समाधान यह है कि दृश्य और दर्शन के इंद्रियों के संबंध में, इंद्रियों के संबंध से तथा प्राण स्पंदन से जनित विक्षेप होने से उसका अनुभव नहीं करते। ये एक पॉइंट बोला, बच्चा समझ करके उत्तर दिया। सवाल तो करते हैं जो अनजान होते हैं, वही तो सवाल करते हैं। सबको क्यों नहीं होता है, लेकिन सबको क्यों नहीं होता है वो तुम्हारे ऊपर भी लागू है। सबको नहीं होता है इसलिए तुमको भी नहीं हुआ। अरे किसी किसी को होता है कैसे, तो इसको हम आज अच्छी तरह विचार करते हैं, देखते हैं किसको होता है किसको नहीं होता है। वो अनुभव की चीज यदि ऐसा कहोगे तुम, तो दृश्य और दर्शन, दृश्य जो देखते हैं, कौन देखता है? खाली आंख नहीं, इंद्रियां देखते हैं, मतलब इंद्रियों का विषय को इंद्रियां ग्रहण करते हैं, उसी का नाम है देखना। अरे उधर देखो तो कौन हल्ला कर रहा है, क्यों आवाज आ रहा है, देखना। कोई आवाज को देखता है क्या? पर देखता मतलब सुनना, तो देखना मतलब इंद्रियों से देखना, इंद्रियों के संबंध। और प्राण का स्पंदन कौन देखेगा? जिसका इंद्रियां काम कर रहे हैं, जो मुर्दा है उसका इंद्रियां काम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए मुर्दा सुन नहीं सकता है और देख नहीं सकता है, सूंघ नहीं सकता है। तो मुर्दा किसको कहते हैं? जिसके अंदर प्राण नहीं, उसी को कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ प्राण ही अनुभव का एक माध्यम है। किसी भी विषय को देखना, इंद्रियां अगर देखेंगे तो उसके लिए प्राण तो मददगार है, प्राण नहीं है तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यही कहना है उनका, प्राण स्पंदन का एक भी कारण है उसमें, इंद्रियों का संबंध और प्राण का स्पंदन। इंद्रियों के संबंध कैसा होगा, सही साबित कैसा होता है? जब प्राण है, मुर्दा के आंख के ऊपर भी हम लेकर के अगर कुछ चीज रख देते हैं, वो देख नहीं सकेगा, नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि उसके प्राण स्पंदन नहीं करता है, प्राण नहीं है। तो फिर ये मोटा हिसाब से बोलते हैं, प्राण तो है, प्राण तो कभी अभाव नहीं है कहीं पर। जो प्राण चेष्टा प्रदान करता है, मुख्य कहो या स्थूल प्राण कहो, जो शरीर का स्पंदन करने में समर्थ है, उसका हम प्राण अभी लेते हैं। ऐसा तो प्राण सारा संसार में सर्वत्र सब समय में ऊर्जा के रूप में स्थित है, ऊर्जा के रूप में, शक्ति के रूप में।
परंतु ये प्राण जो है शरीर को स्पंदन दे करके संचालन करता है, ये प्राण के बारे में कहते हैं। वो एक सहायक साबित होता है। प्राण नहीं है तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा एक जो फॉर्मूला था, त्रिकोणाकार समन्वय समिति चित्त जिसके अंदर अहंकार और मन इत्यादि चार अंतकरण चतुष्टय है। अंतकरण चतुष्टय एक, दूसरा हो गया प्राण, तीसरा हो गया शरीर। ऐसा त्रिकोणाकार ये जो समन्वय समिति है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हम बार बार बात करते हैं। तो ये जो त्रिकोणाकार समिति में प्राण नहीं होगा तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकते। शरीर मतलब शरीर, इंद्रियों के साथ शरीर, प्राण उसको स्पंदित करता है तो फिर मन उसको विचार करके उसको समझता है। तो इस ढंग से अनुभव होता है। और इसमें अगर ये जो अनुभव होता है इसको अच्छी तरह समझे, ये प्राण का स्पंदन से, इंद्रियों का ग्रहण से, ग्रहण मतलब स्पर्श, नजदीकपना, और उसको विचार करके मन अथवा चतुष्टय, मन अंतकरण चतुष्टय, तो ये सब मिल करके ये जो एक कोई ज्ञान को अर्जन करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ये सारे ज्ञान कैसे ज्ञान है? व्यवहारिक ज्ञान है। हाँ, व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान मतलब जो जिसका हमेशा खाली सूचना मिलता है, सच्चा ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान क्यों नहीं, जिसको हम अनुभव कहते हैं, वो क्यों नहीं? अरे अगर इतने रास्ता में इतने माध्यम से आता है, वो कोई शुद्धता उसमें रहेगा क्या? कैसे रहेगा? शुद्धता मतलब इकाई, एक चीज को शुद्ध कहते हैं हम। ये तो इतने सारे हो गए मिलजुल करके, उसका मदद किए, तभी तो हमको ये वो ज्ञान मिला। तो सच्चा शुद्ध ज्ञान नहीं है, शुद्ध ज्ञान नहीं है, अशुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान को अनुभव करते हैं, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, मैं तो शुद्ध हूँ और बुद्ध भी हूँ। ज्ञानी लोग ऐसा गाना गाते हैं, शुद्धोसी बुद्धोसी, मेरे को अनुभव हो गया, मैं तो पवित्र हो गया। तो ये जो अनुभविक ज्ञान है वह सबको इसीलिए नहीं मिलता है कि ये माध्यम से उसको वो ज्ञान जो प्राप्त करते हैं शुद्ध ज्ञान नहीं है। आप बोल सकते हैं तो हमको कोई ऐतराज नहीं। इसको व्यवहारिक ज्ञान हम कहते हैं, आप जो बोलते हैं बोलो। और इसका हमेशा बढ़ोतरी है। इसी ज्ञान को ना कोई
चोर ले सकता है, ना कोई खो सकता है, ना कोई उसके घटोत्री है। ये ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ बढ़ करके कभी ना कभी फिर अनुभवात्मक ज्ञान में बदलेगा। जी न चोर हार्यम न च राज हार्यम भाज्यम न च भारकार्यम। हमेशा बढ़ते रहता है क्योंकि इन्फॉर्मेटिव है। और जो है इन्फॉर्मेटिव, हम कह सकते हैं इन्फॉर्मेटिव नॉलेज, अविद्या कह सकते हैं। अविद्या तो जरूर कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि सच्चा ज्ञान नहीं। बिल्कुल। और भ्रम इसी को कहते हैं, क्योंकि ये स्थिर नहीं रहता है, इसीलिए भ्रम पैदा करता है। आज जो ज्ञान हमको है कल के लिए नहीं, बचपन में हम जो जानते थे आज वो सपने के आप ही हो गया। बढ़ेगा, उसका रिवाइज होगा, रिफाइनरी होगा, सब कुछ होता है उसका। इसीलिए उसका स्थिरता नहीं होने से हम उसको भरोसा नहीं कर सकते हैं। पर अनुभव ज्ञान का दूसरा उसका स्वभाव, उसका स्वरूप, वो अनुभव जो हुआ किसी का माध्यम से नहीं, कोई मिलावटी उसमें नहीं, तो वो स्थिर ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है। वो सदा सर्वदा निर्विकार रहता है, उसको अनुभवात्मक ज्ञान कहते हैं। और वो सबको इसीलिए नहीं मिलता है, हम सब जो कहते हैं सबके अंदर ज्ञान है, तो ये जो सबके अंदर ज्ञान है ये मिश्रित ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, जो बढ़ने के लिए सदा तत्पर रहता, बढ़ता रहता है। जो बढ़ेगा वो उसके ऊपर हम अभी नहीं भरोसा कर सकते हैं, जब स्थिर हो जाएगा तब फिर भरोसा कर सकते हैं। बढ़ना मतलब बदलता रहता है, बदलता रहता है, इसीलिए इसके ऊपर भरोसा नहीं। और ये तो सबके पास है, लेकिन जो अनुभव है वो शुद्ध ज्ञान है, वो बहुत कमों के पास होगा। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध है। और जो इंद्रियों का, प्राण का, मन का सहारा छोड़ के इसके परे जाते हैं, उनको वो ज्ञान मिलेगा, अनुभव मिलेगा। ये माध्यम को काम में नहीं लेते हैं, उनको अनुभव मिलता है। और अनुभव जो है वो पक्का, निर्विकार और शुद्ध, पवित्र और स्थिर होने से वो प्रमाण के रूप में लिया जाता है। तो फिर आप लोग यही बोल सकते हैं कि ठीक है, ये जो हम कोर्ट कचहरी में जाते हैं, जज बैठे हुए रहते हैं और साक्षियों का बातों को सुन करके वो निष्कर्ष देते हैं, क्या वो न्याय है? न्यायालय में न्यायाधीश न्याय देता है क्या? सवाल तो उठेगा, नहीं उठेगा? गवाहियों का यस, यस, सो समझ ले, से दिस, सो कैन वी से लॉजिकली दैट सिंस देयर आर सम इंप्यूरिटीज इन द प्राणा, पार्डन, since there are some impurities in the prana, impurity or inferiority, impurities, acha, impurities in the prana, the mind cannot cohenes proper objects, because we say that the purification is done through pranayama,
What are the impurities you have to clarify? प्राण में क्या impurity है? और impurity किसी को कहते हैं आप? Impurity का clarity दो. Impurity का pure clarity दो. I'm asking you, can we say logically, because since it relates with the gunas of rajas and tamas, so it can take, I'm asking you, because there is a logical, is there properties, is there? बिल्कुल बात ये है, impurity में जो पूछा ना, impurity का परिभाषा तो कहना पड़ेगा ना, impurity मतलब अस्थिरता. और अनेकता. इतनी बार हम चर्चा कर रहे हैं ना, प्यूरिटी मतलब एकता, एक चीज और स्पष्टता, उसको कहते हैं प्योर, क्लियर, वननेस, नो अडल्टरेशन, नो एडिशन, नो डिडक्शन, एक ही चीज आएगा तो उसको हम कहते हैं प्योर, प्यूरिटी है. प्राण तो जरूर इम्प्योर है. कोई भी ऊर्जा इस सृष्टि के अंदर कभी प्योर नहीं हो सकता, हमेशा गतिशील, हमेशा परिवर्तनशील, हमेशा स्पंदनशील, इसीलिए उसको हम प्योर नहीं कह सकते हैं, स्थिर नहीं कह सकते हैं. बिल्कुल सही. इसीलिए प्राण का माध्यम से हमको ये ज्ञान मिलता है, इसीलिए ये प्योर ज्ञान नहीं है, ये आधा अधूरा. कितने बार हम कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान, थोड़ा देर के लिए मान लिया गया, जो फिर दूसरे उसका बारंबारता के कारण अथवा उसका जो विपरीत दूसरा कुछ ज़्यादा अगर हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो ये इन्फॉर्मेशन को हम छोड़ देते हैं, ये सही नहीं है. जैसे मान लो मैं गंगोत्री जा रहा हूँ पैदल जा रहा हूँ, पहला बार कभी देखा नहीं, पहाड़ों में यही होता है, पहाड़ों में घूमेंगे पैदल और अगर पूछेंगे कहीं लोगों को, भैया वो चुपता और कितना दूर रह गया, बस आगे, बस आगे. थोड़ा दूर, वो कभी एग्जैक्टली कुछ नहीं बोलते हैं. और वो वहीं के रहवासी हैं, इसीलिए उनके लिए जो बहुत कम है वो कभी हो सकता है आपके लिए दिन भर लग जाएगा. ऐसा धोखा मैं बहुत बार खाया हूँ. बस आगे है, आगे तो है. कहने का मतलब ये जो ज्ञान हमको मिलता है व्यवहारिक ज्ञान, वो उसके बाद और कुछ ज्ञान मिल जाता है. जब मैं चलते चलते देखा आगे क्या, ये तो 10 किलोमीटर चल दिया हूँ फिर भी नहीं है, मिला नहीं मिला मेरा लक्ष्य, तो फिर वो दूसरा इन्फॉर्मेटिव ज्ञान से पहले का जो इन्फॉर्मेशन मिला था वो दब गया, मिट गया. इसीलिए ये परिवर्तनशील ज्ञान है, इसके ऊपर हम भरोसा नहीं रख सकते हैं, ये बदलता रहता है, इसके ऊपर भरोसा नहीं रख सकते हैं. मगर स्वामी जी, इस हिसाब से तो आपने जो तीन बोला, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो तीनों के तीनों इम्प्योर है. बिल्कुल. क्यों नहीं, प्राण खाली क्यों, तीनों के तीनों इम्प्योर. हाँ, इंद्रियां भी ऐसे ही और मन बुद्धि वगैरह वो भी ऐसे ही है, सब परिवर्तनशील है. इंद्रियां तो किसी काम के नहीं, वो तो दूसरे से एक समझो एक खिलौना, जैसे प्रत्यक्ष खिलौना, उसको जो खेलने वाला प्राण और मन होता है, ऊर्जा देते हैं उसको, तो नियंत्रित करेगा मन, ऊर्जा देगा प्राण, तभी इंद्रियां काम करेंगे. यही तो होता है, तीनों का सहयोग से काम होता है, अनुभव का क्या काम होता है, वो अनुभव आधा अधूरा.
इसीलिए सबको अनुभव ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए नहीं होगा। अतएव उन दोनों प्रतिबंधकों का परिहार करने के लिए योगी लोग नासिका के अग्रभाग में निरुद्ध दृष्टि तथा प्राण निरोध में तत्पर दिखाई देते हैं। इसी को विचार करेंगे तो योग सूत्र पैदा हुआ, योग शास्त्र पैदा हुआ, इसी के ऊपर प्राण को निरोध करो। प्राण अशुद्ध है, अथवा प्राण अशुद्ध मतलब प्राण चंचल है, उसका मतलब प्राण अस्थिर और परिवर्तनशील है, स्पंदनशील है। इसीलिए प्राण का जो स्पंदन, जो गतिशीलता, जो चंचलता, परिवर्तनशीलता, उसके ऊपर हम भरोसा नहीं रख सकते हैं। प्राण को स्थिर करो और उसी से मन भी स्थिर हो जाएगा। मन को गति चेष्टा प्रदान करता है प्राण, और फिर मन और प्राण मिल करके इंद्रियों को काम में लेते हैं। जैसे जैसे माली कोई औजार को काम में ले करके सुंदर बगीचा का काम करता है, माली तो प्राण रूप हुआ, इंद्रियां हुए वो औजार, और पेड़ पौधे जो हुए वो तो मन हुए। इसके त्रिकोणाकार जो समन्वय समिति, समवाय समिति, इसके द्वारा जो काम किया जाता है वो आधा अधूरा और वो भरोसा के लायक नहीं। रिलायंस कंपनी नहीं है ये। और इसका विपरीत क्या है? इसीलिए योगी लोग खाली पतंजलि नहीं, और अनेक योगी लोग हो गए, कोई अलग अलग रास्ता निकाले हैं। ये प्राण को स्पंदन रहित कैसे किया जाए? प्राण को स्पंदन रहित करेंगे तो मन भी निष्पंद हो जाएगा, और इंद्रियों को हम इंद्रियों का सहारा हम लेंगे ही नहीं, तो फिर शुद्ध ज्ञान का अनुभव हमको होगा। इसी के ऊपर योग चित्त वृत्ति निरोध और प्राणायाम भी इसी के सहारा है, एक प्रक्रिया है इसी के अंदर शुद्धता प्राप्त करने के लिए, अनुभव को पाने के लिए। और पतंजलि महाराज वो चित्तवृत्ति निरोध करके छोड़ दिए, आगे क्यों नहीं बढ़े? क्यों नहीं बढ़े आगे? सोचिए, उनको सिर्फ स्थिरता के ऊपर लक्ष्य था। वो क्षणिक हो गया अगर, तो बाकी अपने आप जिसको जिसको रुचि है उसमें बढ़ जाएगा, जिसको रुचि नहीं है उस ज्ञान का अनुभव प्राप्त करने के बाद फिर वापस आ जाओ, हमारा क्या है? जगह तो देख लिया ना, जहाँ जाना था, कैसा है, क्या है, तो फिर वापस आना अथवा वहीं रुक जाना उसके ऊपर है। लक्ष्य तक तो पहुंचा दिया ना पहले, उसके बाद उधर रहना नहीं रहना वो बात आपके बात है। इसीलिए वो आगे नहीं बढ़े, एक झलक मिला तो फिर बाद में आप डिसाइड करो क्या करना क्या नहीं करना। स्वामी जी, स्वामी जी 360 डिग्री एंड ऑल राउंड विजन,
अच्छा, भगवान को प्राण दाता बोलते हैं, खाली यही नहीं प्राण जीवन भी है, वही विष्णु सहस्त्र नाम में प्राण दह प्राण जीवन प्राणानाम प्राण प्राणों का प्राण है। बहुत प्रकार से प्राण से संबंधित उनका नामकरण हुआ है, प्राण से संबंधित। तो ये प्राण को जब देने वाले भगवान, ये सवाल उठता है क्या भगवान हमको सारा धोखा देते हैं? खाली इतने ही पूछे और आगे बढ़ो, क्यों खड़े हो गए वहीं? अरे ये सारा संसार ही एक धोखा है यार, खाली प्राण थोड़ी। अगर हम भगवान को, वो भगवान को जो हमको प्राण रूप में धोखा दे रहे हैं अथवा अशुद्धता दे रहे हैं, अगर खाली इतना सोच सकते हैं हम, तो और आगे बढ़ कर के हम सोचेंगे कि भगवान तो इतने एक चतुर नार। चतुर नार नित नित रचत है। नहीं नहीं, लॉजिकली चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? ये खोपड़ी है मन जो है ना, ये बड़ा भयंकर ही है, कहीं को कहीं पहुंचा देता है। लॉजिकली चलो थोड़ा देर, देखते हैं कैसा लगता है, हैं? वो झाड़ी के अंदर घुसेंगे। हाँ बोलिए। अरे वो महत हुआ या कुछ भी हुआ, प्राण तो हुआ ना। और वैसे ही तो महाविद्या और थोड़ा छोटा विद्या, हम कहते हैं महाहनुमत हनुमान, एक गौरव देने के लिए और उनका विशालता दिखाने के लिए, समर्थ दिखाने के लिए महान शब्द प्रयोग करते हैं। जो छोटा है वही तो बड़ा के रूप में प्रशंसा के पात्र बनता है, इसीलिए वो कोई बात नहीं, महत प्राण कहो चाहे कुछ भी कहो, अशुद्धता है ना। अच्छा, जब अशुद्ध है, खाली प्राण नहीं, वो सारा संसार ही अशुद्ध है, मन क्या शुद्ध है, इंद्रिया क्या शुद्ध है, जो हम जिससे जगत देते हैं, कोई नाम क्या शुद्ध है, कोई कर्म कोई क्या शुद्ध है, कर्म तो शुद्ध नहीं हो सकता है, और कोई रूप कोई शुद्ध होता है? जितने रूप हम देखते हैं अनुभव में, मतलब इंद्रियों के माध्यम से, वो सारे रूप परिवर्तनशील है, कोई रूप स्थिर नहीं है, कोई नाम स्थिर नहीं है। संसार में स्थिरता कहाँ? अस्थिरता का नाम ही तो संसार है। सम्यक रूपेण सौरति इति, जो परिवर्तन के माध्यम से दिखाई दे रहा है उसी का नाम संसार है, तो उसको प्योर कैसे कह सकते हैं हम? इसीलिए तो भ्रम पैदा करता है, प्राण भी उसके एक आधार है, एक सहायक है। वो ग्रुप के हो सकता है प्राण लीडर है, ग्रुप लीडर है। ग्रुप लीडर है, फिसल जाता है कभी कभी। और इसको हम दूसरे भाषा में कहते हैं पराशक्ति, उसी प्राण का नाम पराशक्ति, जो चोदयत्री सबके अंदर चेष्टा प्रदान करती है, पहला स्पंदन पैदा करती है, सरस्वती या मूल प्रकृति अथवा त्रिगुणात्मिका प्रकृति। त्रिगुणात्मिका इसी के ऊपर तो है, तीन गुण, ये तीन त्रिकोणाकार कार्य प्रणाली को तैयार करता है। और इसी में कहीं पर हमको स्थिरता नहीं दिखता है,
और स्थिरता जब नहीं दिखता है हमको, शुद्धता भी नहीं दिखता है, कहीं पर शुद्ध नहीं, प्राण खाली नहीं, सारे संसार जड़ है वहीं, तो फिर हम क्या मान लेंगे कि भगवान ये सब अज्ञान का मूल कारण है, ये धोखाधड़ी का जड़ भगवान ही है, ऐसा मान ले? बोलो, कैन वी एक्सेप्ट द ट्रूथ इज द रूट कॉज ऑफ ऑल आवर कन्फ्यूजन्स एंड कॉम्प्लिकेसीज एंड इम्प्यूरिटीज, एवरीथिंग व्हाट एवर ही हैज गिवन अस, ही हैज गिवन अस, इट इज जस्ट गुड एनफ टू थ्रो अवे, we cannot accept it. Can we throw away whatever is received in our bowels? हाँ जी, नहीं ये तो नहीं बोल सकते, मगर जो प्रथम स्पंदन हुआ, एको हम बहुश्याम, प्रथम जो स्पंदन हुआ वहां से ये शुरुआत हुई बनावटी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो प्रथम स्पंदन किसके द्वारा, अब कहीं से क्यों हुआ, प्रथम स्पंदन का कारण क्या, प्रथम हुआ तब द्वितीय होगा, तृतीय होगा, बढ़ते चलेगा, यही तो आपका कहना है, बिल्कुल सही है। तो प्रथम स्पंदन का कारण कौन है? नहीं, थोड़ा बहुत विचार कर सकते हैं, प्रथम स्पंदन का कारण संसार का कारण क्या है? संसार का कारण पहला हम बहुत बार विचार कर लिए, जो ये सारा देश में ये जो कार्यपालिका काम कर रहा है, कार्यपालिका गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का दो रूप है, एक तो कार्यपालिका, एक है न्यायपालिका, जो कार्य में गड़बड़ी होगा उसको न्यायपालिका सुधारेगा, और कार्यपालिका सारा कार्य अन्वयन करेगा, उसको दिशा दिखाएगा और करेगा। तो कार्यपालिका में जैसे हमारे सरकार को, हम गांव-गांव में कोई गवर्नमेंट टीचर हुआ, कोई पटवारी जमीन संबंधी हुआ, कोई स्वास्थ्य संबंधी कर्मी हुआ, कोई और योजना संबंधी कर्मी हुए, ये सब गवर्नमेंट का अंग है, सरकार का अंग है। वो सरकार का रूप देखें आप, बोलो कौन देखा है सरकार को? क्या ये बदल जाएंगे तो सरकार बदल जाता है? सरकार कभी बदलता है? सरकार का यही से बदलते हैं, कार्यपालिका बदल जाएगा और न्यायपालिका बदल जाएगा, माध्यम बदल जाएगा, सरकार तो ज्यों का त्यों, सरकार कभी नहीं बदला। तो क्या कहते हैं आप, ये भारत सरकार जो हम कहते हैं कौन है, कहाँ है, बताओ? और उसके वजह से जो सारा देश चलता है, बोलिए, वेयर इज द गवर्नमेंट विच इज एवर प्रेजेंट एवरीवेयर बिकॉज ऑफ इट द होल कंट्री इज वर्किंग प्रॉपरली बिकॉज ऑफ द फियर, आउट ऑफ फियर ऑफ इट एवरीबडी रन्स प्रॉपरली, डज हिज ड्यूटीज प्रॉपरली, और एल्स they will be punished out of that fear. Everybody tries to do the duty properly. Where is that government? Have you seen? अरे वो government तो बहुत दूर रह गया, तुमको तुम देखे हो क्या? Have you seen yourself?
give up that far away story of government. We shall discuss it afterwards. What about you? Have you seen yourself? Who are you? How are you? What are you? When are you? Can you answer all these properly? Of course, Apajaj answers are always there, but properly. Properly means which will not be asked again. Pure answer. Who are you then? What are you? When are you? Where are you? What for you are? Where from you are? What is your purpose? What are you doing? Why? Where are you? And when are you? Sthanadhikaran or Kaladhikaran Karak. Yes, Che Karak. Sat Karak hai jo. ये जो कर्म को जो एक रूप देते हैं, बदलाव में मदद करते हैं, ये तो है सब जगह पर. बताओ इसको तुम पहले बताओ तो गवर्नमेंट कहीं का कहीं रह गया. हो कौन तुम? डू यू नो हू आर यू? वी शैल इंक्वायर द गवर्नमेंट आफ्टरवर्ड्स. Let us see who is the inquirer. Nothing is known. Neither the knower is known, nor the knowable is known, nor the one who makes you know, he is also not known. Nothing is known. But everything is going on. So this is how we can just come to this conclusion. There is some presence which is responsible for all this. Whether I am there or my is there. My means my government or whatever belongs to me or known by me or I am within that, whatever is there around me, or I am, all these are possible because of some presence. It is to be known. Then only everything will be known. That presence is the root cause for everything. And that we sometimes name as the causal body, which is cause for everything. A body which is first cause for other causes afterwards. Samajh mein aa gaya? Pahla karan jo hai. आदि कारण, उसी को हम आदि बीज कहते हैं, आदि देव कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं. और उसको इस ढंग से हम अगर एनालिटिकली देखेंगे, वो उसका किसी एक चीज का उपस्थिति है, उपस्थित है वो. तो फिर उसके ऊपर हम चलो काम करते हैं, किसका उपस्थिति है. वो उपस्थिति साधारण ऐसा नहीं समझ में आएगा. वो उपस्थिति के साथ जब हम एक बनेंगे तब जा करके समझ में आएगा. दूर से हुआ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसी के अंदर हम हैं. जब अंदर हैं हम तो फिर एक बनने के लिए क्या क्या बाधा कहाँ है? उसके अंदर तो है, तो बाधा क्या है? क्यों नहीं हम एक बन सकते हैं? वही तो कितने बार हम विचार कर लेते हैं,
बार बार विचार करके भूल जाते हैं हम। ये भूलने का जो प्रक्रिया, इसीलिए हम एक नहीं मान सकते हैं। घड़ा सोचता है मेरे अंदर जो आकाश है ना, मैं जो हूँ वो बाहर आकाश से अलग हूँ। क्या बाहर आकाश से जो भूताकाश नाम है, बाह्याकाश नाम है, उससे घटाकाश अलग हो सकता है कभी? या वो बोल दिया, सोच लिया, तब ये हो गया, ऐसा कह सकते हैं क्या? दैट स्पेस इनसाइड द पॉट सेज आई एम इन द इनसाइड द वूम्ब ऑफ द होल एलिमेंटरी आउटसाइड स्काई। What is the meaning of it? Has it any meaning? But yet it is said, it is meaningless. Meaningless. It is not in the, it is not in the sky. That small idea of the sky is not in the sky, not out of the sky. And that is the first reason, first cause, which goes on afterwards modifying. We say it is different from that, and when this, we go on imagining some ideas over that small pot. This pot is the limited sky, and this pot is the outer lines are the cause for the limited sky. The sky has been limited by the lining of the outer pot, and when as long as the pot will be there, this identity will be there. And when the pot is broken, the one language is the pot sky will merge in the outer sky. Other language is neither it merges nor it goes out. Other language is it unites with the other sky. All these are meaningless. Meaningless explanations, isn't it? When you see it from all round vision, you see the outer sky and inner sky, and you know what is limiting agent. It is imaginary. Even that, in that line also, that sky is present. It cannot be absent anywhere because it is so subtle, you cannot avoid it. The other languages, pot itself was not there, it itself was an illusion. Yes, that also one language. So all these languages is meaningless. Similarly, our root cause, the primordial cause, or the linga sharir, the symbolic cause. It is linga sharir kaha gaya. It is symbolic cause. It is not the real cause. It is symbolic. Linga sharir tabhi to kaha gaya. Linga matlab kya hota? Nishani. Nishani. Ek pratik. तभी कहा गया इसका लिंग शरीर। ये सच्चा शरीर नहीं है, उपस्थिति नहीं है, उपस्थिति जैसे लगता है। उपस्थिति तो सब जगह पर है, जैसे आकाश का उपस्थिति सब जगह पर है, और उसका ये घटाकाश के रूप में उपस्थिति पहला हुआ, इसीलिए वो घटाकाश के अंदर हम उसको निश्चित किए, उसका नामकरण किए, उसका रूपांतर किए, रूप दिए, और उसके बारे में हम बात करते हैं, व्यवहार करते हैं।
वो घटाकाश के साथ हमें व्यवहार करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसको समझते हैं और उसका हानि लाभ भी देखते हैं, उसको अच्छा उसको मुक्ति दे देंगे, घटाकाश को मुक्ति प्रदान करेंगे, बेचारा इतना दिन से बंधन में पड़ा हुआ है वो घटाकाश को मुक्ति दे दो ये सब सोचना, ये सब भाषा क्यों, ये क्यों है? क्योंकि हम अगर बच्चा पूछा दादी माँ को, दादी माँ हाँ बेटा वो भूत क्यों आया था रात को, क्या बोल रहा था? दादी माँ को तो कुछ बोलना पड़ेगा ना द ग्रैंड चाइल्ड इनोसेंट आस्क हिज ग्रैंड मदर, ग्रैंड माँ व्हाई दैट घोस्ट केम इन डेड ऑफ नाइट, व्हाट वाज इट टेलिंग इट टू यू, समथिंग सम कन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन बिटवीन बोथ ऑफ यू, आई एम अफ्रेड, व्हाट फॉर ही केम, सो द ग्रैंडमा हैज टू से समथिंग, नो नो बेटा डोंट वरी, आई हैव asked him to not to come, and if he will not go to sleep, he said he will come, and he has a big bag, and he takes naughty children, putting in that bag, and he takes all those children to the far off forest, and slowly he eats one after another, that is his food. Beta, go to sleep, don't talk, he will hear. So poor child goes to sleep out of fear. This is how we get the answers. Our questions are like that. So some answer will be relevant to our question. This is how they say the root cause. Root cause is nothing but his presence. To assume something, this is the right way to have some consolation, prize of our question. What is the root cause? There is no cause, because the world is not there first. On the first place, you have accepted the world is existing, and you are putting the question. On that question, the answer is given. The answer will be relevant to the nature of the question. So you have accepted something which is not there. So we have to answer something which will suit to your mind. Understood now? That actual, that causal body is not there, but we have to assume the presence of the absolute. Presence of the absolute is meaningless words or sentence. Because he is all pervading. How do you say his presence is somewhere there? That means you are limiting him. You cannot say so. वो जो लिंग शरीर है भगवान का उपस्थिति, क्या भगवान अनुपस्थित है तभी तुम उपस्थिति हाँ अटेंडेंस डालते हो? क्या बात क्या है? ये सब बहानाबाजी, मन को कुछ सांत्वना देने के लिए ये मन है कि मानता नहीं, क्या करें, थोड़ा देर के लिए उसको चुप करने के लिए ये तरीका सब है, लेकिन ये रहस्य को सबको नहीं बोलना,
समझते हो तो समझो, नहीं समझना अच्छा है। नहीं समझना अच्छा है, क्यों? ये फिर पागल बनाएगा तुमको। वो जो आदि कारण जो आप लोग पूछ रहे हैं, इसीलिए मैं इसको बोला, इसको सबके सामने नहीं बोलना, क्योंकि इसको स्वीकार अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर इसका रिएक्शन बड़ा भयंकर होता है। हाँ जी, जहर खाना अच्छा है, पर खाना सीखो। चोरी करना, चोरी विद्या बहुत अच्छा है। हाँ जी, पकड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर बाई चांस पकड़ा गया, मार नहीं खाना चाहिए। चोर का, वो जो जिसका चोरी किया था उसका लड़का को फंदा में फंसा करके भाग जाना चाहिए। चोरा गृह गण्य सिरसान माफी। चोरी करना, पकड़ा नहीं जाना, तब चोरी विद्या बहुत अच्छा है। और चोरी करके पकड़ा गया, उसके बराबर बेइज्जती कहीं नहीं हो सकता है। चोरी किया और पकड़ा गया, निंदनीय काम है। और प्रशंसनीय काम तभी होगा जब चोरी कर लिया और पकड़ा नहीं गया। पर एक आधे ऐसे कोई होते हैं, जैसे भी हो, हम जो ये जो आदि कारण, मूल कारण, मूल बीज अथवा लिंग शरीर इत्यादि का चर्चा करते हैं, ये सब खाली चर्चा के बाद बात है। क्यों ये चर्चा होती है? क्योंकि संसार है, संसार को हाई करके मान लिया तो फिर उसका कारण ढूंढना पड़ता है। कोई कार्य बिना कारण से नहीं हो सकता, इसलिए हम कार्य कारण ढूंढते हैं। चलो, इतनी बातें हम इसीलिए कर रहे हैं कि योग शास्त्र का उद्भावन, योग शास्त्र का आविष्कार, जो कुछ भी कहो, किसके ऊपर आधारित है? ये मन का गति को रोध करने के लिए। और वो क्यों है? मन, प्राण, शरीर अथवा इंद्रियां, ये सब हमारे भ्रम पैदा करने में कारण होते हैं, और इसका निवारण करने के लिए हम योग शास्त्र का आचरण करते हैं अथवा योग शास्त्र का निर्धारित किया गया, और अथवा ये सब अपवित्र हैं। योग शास्त्र एक किस्म से शुद्धि करता है, शोधन प्रक्रिया। शोधन को हम साधना कहते हैं, जो शोधन किया जाता है उसी का नाम साधना है, प्यूरिफिकेशन। गुरुदेव का उसी के ऊपर कहा गया है, सर्व लव गिव प्यूरिफाई, दिस इज ए प्यूरिफिकेटेड प्रोसेस, योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज नथिंग बट प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। यू हैव टू टेक आउट ऑल दीज इम्प्यूरिटीज। पुट सम टी लीव्स इन द बॉइल्ड वाटर एंड ऐड लिटिल मिल्क, और इफ यू डोंट लाइक डोंट ऐड लिटिल शुगर, इफ यू डोंट लाइक डोंट ऐड, जस्ट यू वॉन्ट टू एंजॉय द डिकॉक्शन और विथ मिल्क विथ शुगर और समथिंग विथ समथिंग एल्स, नेवर माइंड, गो ऑन एडिंग। नाउ विल यू ड्रिंक लाइक दैट? यू हैव टू टेक आउट ऑल दोज इन्ग्रीडियंट्स व्हाट यू हैव एडेड टू इट एंड से समथिंग आउट ऑफ इट, वॉट एवर यू कैन, यू हैव टू रिमूव द अनवांटेड पोर्शंस ऑफ इट, द टी लीव्स एंड अदर इम्प्यूरिटीज, एंड देन यू ड्रिंक द एसेंस ऑफ इट, इजंट इट? दिस इज कॉल्ड प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। दिस इज हाउ वी हैव टू एंजॉय द एसेंस,
दिस इज कॉल्ड साधना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर्पस इज टू गेट व्हाट वी नीड द प्योर ऑब्जेक्ट प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस विल हेल्प अस हमको साधना करना मतलब शोधन करना मतलब सफाई करना सब सफाई कर्मचारी ओ माय डियर स्वीपर माय डियर स्वीपर माय डियर वॉशरमैन डोंट बी annoyed upon me because I am giving you the proper names. don't abuse me. I am, on the other hand, don't think I am abusing you by telling you are a washerman, you are a sweeper, you are a cleaner. If you are a real spiritual practitioner, दैट इज द प्रोसेस एक बार चिदान साहब जी कभी किसी को मिलने के लिए गए कहीं पर मिलने के लिए गए कहीं देहातों एरिया में कहीं उड़ीसा में वो अपने को अभी भी वो जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाल नहीं पाए लोग मैं छोटा हूँ मैं अछूत हूँ मैं नीच जात का हूँ इससे अभी उभर नहीं पाए तो स्वामी जी गए थे कोई दूर खड़ा है स्वामी जी आ करके उसको पूछे हाथ मिलाने का आशीर्वाद देने स्वामी जी हम हरिजन हैं हाँ हरिजन है अच्छा अच्छा कोई बात नहीं हम भी तो हरिजन हैं स्वामी जी मैं धोबा हूँ धोबा माफ कीजिएगा आशीर्वाद आपका चाहिए पर हम नीचों को आप स्पर्श कैसे करेंगे स्वामी जी बड़े प्यार से समझाए और हाथ मिलाए गला मिलाए समझाए उसको भैया तुम अकेले नहीं है मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ मैं भी लगा हुआ हूँ धोने में तुम कपड़ा धोते हो हम मन को धोते हैं इतना ही अंतर है तुम कपड़े को धोते हो हम मन को धोते हैं इसमें लगे हुए हैं हम बहुत बड़ा धोबी है हाँ जी ये कहानी नहीं सच्ची घटना है तो इस ढंग से सब हम शोधन क्रिया में लगे हैं शोधन क्रिया में जो अवशेष रहता है सारे शास्त्रों का सारे वेदों का उपनिषदों का एक ही सिद्धांत है अवशेष ही सच है अवशेष द रेमिनेंस इज द ट्रूथ दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ authentic scriptures of all the religions. Nobody has yet been able to prove what is the truth. So this is the proper way. Go on purifying. अवशेष ही सच है और अवशेष के अलावा कुछ है भी नहीं और क्या रहेगा अवशेष ही रहेगा वो इनडायरेक्टली वो बोलता है इसका आदमी सीखकर सोचता है कि अवशेष के अलावा भी कुछ है हाँ अवशेष के अलावा और क्या रह सकता है शेष अवशेष जो है वही है शेष जो है अवशेष जो है जो आखिर रह गया जिसको तुम निकाल पहले भी जी और उसको तुम निकाल नहीं पा रहे हो निकाल नहीं पा रहे हो छान नहीं पा रहे हो तो रहेगा ही और था भी पहले पानी डाले थे पहले तो पानी से तो शुरू किए चाय बनाना क्या बिना पानी से तुम चाय बना ले एग्जांपल इधर नहीं चलेगा और इधर तो एसेंस आप निकाल लिया इधर एसेंस के अलावा कुछ है नहीं
चलो हाँ चलो, वो नहीं पानी पहले से ले, पानी लेकर के चाय शुरू किए ना, तो पानी तो पहले था अभी भी है चाय में, इसी ढंग से मैं कह रहा हूँ। और ये रहेगा, पहले था अभी भी रहेगा, अवशिष्ट रहेगा, शेष रहेगा, बीच में भी है, उसी में मिलाए, उसी से निकाले, सब कुछ होने के बाद उसको हम उपभोग किए। मूलभूत जो सत्य है वो हमेशा है, अवशेष भी रहेगा, हमेशा है, तो यही बात है, इसको समझना चाहिए। तो निमेष रहित हुए योगी जन जिनके नेत्र गोलक तथा तदगत इंद्रियां स्थिर हैं, स्थिरता के ऊपर आ रहे हैं, शुद्धता मतलब स्थिरता, निमेष रहित हुए योगी जन जिनके नेत्र गोलक तथा तदगत इंद्रियां स्थिर हैं, दृश्य एवं दृष्टि के संबंध त्याग प्रयुक्त पंद त्याग के लिए सन्नद हैं। योगी लोग क्या करते हैं, पंदन को त्याग करते हैं, चंचलता को त्याग करते हैं, उनका त्याग वो है योगियों का। और ये प्राण शरीर मतलब इंद्रियों का समूह और जो मन, ये लोग हमेशा बाधा डालते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, ये बाधा चंचलता ही है, स्पंदन ही है, इसको स्थिर करने के लिए योगी लोग स्थिरता का उपाय अवलंबन करते हैं बस। और कैसे, निमेष और उन्मेष रहित, निमेष और उन्मेष रहित, ना आंख बंद करते हैं ना खोलते हैं, उसको अभ्यास किया जाता है त्राटक से। त्राटक मतलब आंख को स्थिर करना, आंख को स्थिर करना, पलक नहीं पड़ना चाहिए, चाहे खुला हुआ तो खुला हुआ, बंद है तो बंद है, पर खुला हुआ अभ्यास करने से बंद तो आसानी है, इसीलिए त्राटक का अभ्यास करते हैं और उससे मन एकाग्र हो जाता है, अस्थिरता दूर हो जाता है। वो आँख के साथ आँख और कान, ये दोनों इंद्रियां हमारे संसार का जो भ्रम है उसके लिए बड़ा वकीलाती करते हैं। ये लोग बहुत लगन से ये लोग लगे हुए हैं, प्रकृति का ये दोनों वकील हैं, ये हमेशा लगे हुए हैं उसका काम को सफल करने के लिए, नाम और रूप, नाम रूपों को उसके आधार से और बाकी सब होगा, वही मूलभूत नाम रूप है, बाकी शब्द स्पर्श इत्यादि ने, बाकी स्पर्श और गंध और रस ये सब बाद की बात, नाम रूप पहले तो, इसलिए आँख को बंद करना जरूरी है। आँख को बंद करना मतलब आँख का पलक झपकना बंद करना, उन्मेष और निमेष। और इसी को करने के लिए संभवी मुद्रा, योगी लोग संभवी कैसे कैसे साहेब, संभवी मुद्रा नितिन महाराज बताइए, जगीराज
अंतर मन बाह्य दृष्टि try to focus in between two eyes and no flickering of the eyes के जैसे स्वामी जी ने बताया है हो गया ये इसको आप सांभवी मुद्रा कहते हैं। मैं कहा सांभवी मुद्रा दिखाऊं, इसी को आप सांभवी मुद्रा कहते हैं। तो कहते होंगे हम मना नहीं करेंगे, योगियों का अलग अलग नामकरण का प्रक्रिया है, हो सकता है, लेकिन मुझे जैसे ज्ञात है सांभवी मुद्रा तीन इंद्रियों को बंद करने का मतलब, स्थिर करने का मतलब है। सांभवी सम्यक रूप में रहना, स्थिर रहना। तो कान को अंगूठा में, कान का जो छोटा वो अंगूठा में बंद करना, बीच में ये दो उंगलियां जो मध्यमा और अनामिका, ये जो है दोनों को नाक के दोनों नस्ट्रिल को बंद करना, और जो ये जो इंडिकेटिव फिंगर है इसको क्या कहते हैं, इसका नाम तर्जनी दिखा दूंगा उसमें आँख को बंद करना, दोनों बीच के उंगली से नाक को बंद करना और अंगूठा से कान को बंद करना, सांस को रोकना, ये एक किस्म का कुंभक है। मान लो चाहे प्राण को बाहर रेचक करके अथवा पूरक करके जैसे आपका सुविधा है इसको स्थिरता को प्राप्त करना, तो इसको सांभवी मुद्रा कहा गया करके हमको जानकारी है। तो इससे मन सब कुछ स्थिर हो जाता बहुत जल्दी। मुद्रा कहते हैं, आप जो दिखाए उसको त्राटक कहते हैं, ये जो दृष्टि बोलते हैं जैसे नासाग्र दृष्टि, भ्रूमध्य दृष्टि, वो तो बात सही है दृष्टि, पर मुद्रा शरीर का एक दूसरा रूप को मुद्रा कहते हैं। जैसे नृत्य में अलग अलग मुद्रा होता है, नर्तन जो डांस शास्त्र है ना, नृत्य शास्त्र है ये। शरीर का एक रूप से आप अपना अंदर का भावना को जो प्रकाश करते हैं वो मुद्रा कहा जाता है, बॉडी लैंग्वेज को मुद्रा कहते हैं। और दूसरे ढंग से योगी की भाषा में मुद्रा मतलब शरीर का यही अलग रूप, जब मुद्रा बंध जिसमें बंधन में पड़ जाता है मन प्राण, इसको बंधन में डालने के लिए अलग अलग पोज हैं, तो बंध कहते हैं उसको। मुद्रा शरीर का अंगों का कुछ सहायता से वही एकाग्र प्राप्त करने का तरीका को मुद्रा कहते हैं। और शरीर के स्वास्थ्य भी, जैसे ऊंट को इसमें किस में दबाएंगे, छाती में दबाना, कंधे को, और क्या मुद्रा कहते हैं इसका, जलंधर जलंधर मुद्रा। अच्छा, जलंधर बंद
हाँ बंद है, जलंधर बंद है हाँ। और अलग अलग सब प्रक्रिया है, छोड़ो उसको, मतलब मन को एकाग्र करने का अलग अलग विधि विधान है। तो मन को एकाग्र करने के लिए, प्राण को स्थिर करने के लिए, और इंद्रियां तो होंगे ही, इंद्रियां तो गुलाम है, वो क्या कर सकता है। इस ढंग से ये जो योगी लोग हैं प्राण निरोध के लिए, और जो नासाग्र दृष्टि आज्ञा चक्र में मन को स्थिर करना, नासा के अग्रभाग में हम जब क्या हमारे काकभूषण जी के बारे में जब विचार करते थे, उस समय बहुत विशाल, बहुत विस्तार से हम विचार किए थे प्राणायाम के ऊपर, कितना क्या क्या। नासा की दृष्टि खाली नहीं, नासा के ऊपर को खाली नहीं देखना, और उसके बाद प्राण कहाँ तक जा रहा है प्राण के ऊपर भी नज़र रखना पड़ता है, और वह फिर रुका कहाँ, और प्राण का क्या क्या अवस्था कैसा होता है, प्राण क्या एक रेखा में चलता है, क्या प्राण जब बाहर निकलता है नाक के बाहर शरीर के बाहर उसका स्थिति कैसा होता है, वो बैलून के आप ही फूल जाता है क्यों, उसको प्रसारण के लिए मिलता है, उसको स्थान है, और कितने आकार से वो प्रसारित होता है, और उसका स्थिरता कहाँ होता है, जहाँ से फिर वो फिर गतिशील होगा। तो उसके ऊपर नज़र रखना नासाग्र दृष्टि के माध्यम से, और फिर उसको देखते रहोगे तो प्राण भी धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा, और कुंभक कितने किस्म के और कहाँ से कब तक, और सहज कुंभक किसको कहते हैं, और निरंतर कुंभक कैसा कर पाओगे। सब कुछ काम दाम करता हुआ ज्ञानी लोग हमेशा कुंभक की स्थिति में रहते हैं कैसे। वही जो हमारे काकभूषण जी वशिष्ठ जी को समझाए थे, ये योग शास्त्र के ऊपर क्या विस्तार से आलोचना किए थे, कोई सोच नहीं सकता है, कोई योग शास्त्र शायद इतना डिटेल में बता नहीं पाएगा, कितने विस्तार और सूक्ष्म दृष्टि से एक प्राणायाम के बारे में बताया था। प्राणायाम के आधार से वो चिरंजीवी हुए, और शरीर को कैसा रक्षा करते हैं इत्यादि इत्यादि बहुत विस्तार से हम विचार किए हैं। तो योगी लोग इसी प्रकार नेत्र गोलोक तथा तदगत इंद्रियां जो हैं, नेत्र गोलोक के अंदर इंद्रियां काम करते हैं उसको स्थिर करने के लिए, और दृश्य एवं दृष्टि के संबंध त्याग का जो जिसमें जो लगे रहते हैं, क्या लगे रहते हैं, स्पंदन को निष्पंद करने के लिए, वो संबंध तभी टूटेगा। विषय के साथ जो संबंध है हमारा इंद्रियों का, उस संबंध को तोड़ने के लिए, तोड़ेंगे क्यों भाई, अरे उसी से तो हमको जानकारी मिलता है, क्यों तोड़ने के लिए, योगी लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या। नहीं, दिमाग सही है, वो ये विषय का जो संबंध हमारा है इंद्रियों के द्वारा प्राण का और मन का सहायता से, इसमें जो हमको ज्ञान मिलता है, अशुद्ध ज्ञान मिलता है, परिवर्तनशील ज्ञान मिलता है, आधा अधूरा मिलता है, इसीलिए पूर्ण ज्ञान के लिए, स्थिर ज्ञान के लिए वो ये सबको स्थिर करना उचित समझे, और ये उचित प्रक्रिया भी है स्थिरता लाने के लिए, उसी का नाम शुद्धता भी है।
तो इस संबंध को तोड़ देना चाहिए। संबंध को तोड़ने के लिए वो इंद्रियों को सब स्थिर करने के लिए ये सब अभ्यास करते हैं अथवा इसी में हमेशा रहते हैं स्थिर। कोई जोड़ने में लगा है, कोई तोड़ने में लगा है। हम बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट स्टेप की गलती हो गया जो आप बोलते हैं मैथ्स में, वो एक्सेप्ट कर लिया पहला, तो अभी जोड़ो या तोड़ो। पहले जोड़ रखे ना, इसलिए तोड़ना पड़ता है। और जो तोड़े जो पहले तोड़ दिए हैं, नहीं पहले जोड़ दिए हैं, तब जब जुड़ा तोड़ेगा। नहीं पहले जोड़ दिए हैं, मान लिए हैं, मान लिए उसको कि जोड़ जोड़ गया, जोड़ने का या तोड़ने का बिल्कुल। और उसी को हम योग शास्त्र कहते हैं अथवा साधना कहते हैं। और वो योग भी अनेक किस्म के हैं, कोई राजयोग कहते हैं तो कोई ज्ञान योग, कोई क्रिया योग, भक्ति योग, कर्म योग इत्यादि इत्यादि योगों का कोई सीमा नहीं, रास्ताएं अनेक हैं। और उसके ऊपर भी फिर योग फिर समाधि भी, हम कभी पांच छह किस्म के समाधि के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर समाधि के ऊपर जाओ, नाम के ऊपर मैं 100 कम से कम 100 समाधि का नाम बताऊंगा आपको, अरे यार दिमाग पागल हो जाएगा। सबका अपना अपना राय, अपना अपना समझ, अपना अपना सिद्धांत, सबको हम सैल्यूट लगाते हैं, इमरजेंसी सैल्यूट। सब सही है, जो जैसा जिसको मिला। तो हमारा ये हो गया स्पंदन को त्याग करने के लिए। त्याग करने से शुद्धता, पवित्रता अथवा निश्चलता, स्थिरता प्राप्त होता है। स्थिरता ही अनुभवात्मक ज्ञान होता है, और अस्थिरता जो व्यवहारिक ज्ञान का स्वरूप है। और इसीलिए सबको अनुभव नहीं होता है, किसी विशेष VIP लोगों को मिलता है। दूसरे एंगल से सबको अनुभव होता है, ऐसा कोई वो तो है नहीं, मिलता नहीं। इसीलिए ये जो अस्थिरता ऊपर को स्थिरता को ढक रखा है ना, इसी को तो हम मान रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सबके अंदर है, सबके अंदर अंडर करेंट समुद्र के अंदर जो जल स्थिर नहीं है, अस्थिर है मतलब गर्मी के अनुसार जलवायु के अलगपना के कारण कहीं ठंड से गर्म तक, गर्म से ठंड तक, और समुद्र का जल का गति संचालित होता है, अंडर करेंट उसी को कहते हैं, और स्थिर नहीं है। और उसी के अनुसार जलवायु भी बदलता है, और जलवायु के अनुसार वो भी बदलता है, एक दूसरे से संबंधित है। तो इस ढंग से फिर हम कल देखेंगे। ये तो उनके लिए कहा गया है भाई, जो छठी आदि भूमिकाओं में नहीं पहुंचे हुए हैं, छठी और सातवीं भूमिका में पहुंच गए लोग, योगी लोग तो व्यवहार करते हुए भी पूर्व भूमिकाओं में प्राप्त हुए योगियों के सम्मान आत्मसुख का सर्वदा ही स्वाद लेते हैं। अच्छा, इसको कल बढ़िया मजा से विचार करेंगे। स्थित प्रज्ञ लोग कैसे व्यवहार करते हैं, ज्ञानी लोग कैसे व्यवहार करते हैं, व्यवहार भी होगा स्थिर ज्ञान भी रहेगा, दोनों का सामंजस्य कैसा हो सकता है। कंप्रोमाइज कर लेंगे, कल संधि कर लेंगे दोनों का, तो काम बनेगा। हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।